व्यास चौधरी जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री भगवंत खुबा जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मुझे राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली मिलने का मौका मिला है तो मैं राजस्थान के उस बेटे बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे मेरे राजस्थान के बेटे बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब जयपुर सहित देश के 10 सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। इस पहल के लिए भी मैं देश के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मैं इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने देखा है यहां के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, उनसे जब भी मुलाकात होती थी तो वो बताते थे कि मेडिकल कॉलेज बनने से कितना फायदा होगा। चाहे सांसद मेरे मित्र भाई कनकमल कटारा जी हो, हमारी सीनियर एमपी बहन जसकोर मीणा जी हो, मेरे पुराने बहुत पुराने साथी भाई निहलचंद चौहान जी हो, या हमारे आधे गुजराती आधे राजस्थानी ऐसे भाई देवजी पटेल हो, आप सभी राजस्थान में मेडिकल इंफ्रा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले,
जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल शिक्षा हो या फिर इलाज की सुविधाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की जरूरत थी। हमने चुनौती को स्वीकारा और मिलकर स्थितियों को बदलने की कोशिश की। गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में डिलीवरी के लिए चिरंजीवी योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया, जिससे माताओं और बच्चों का जीवन बचाने में बहुत अधिक सफलता मिली। मेडिकल शिक्षा के मामले में भी बीते 2 दशकों के अथक प्रयासों से गुजरात ने मेडिकल सीटों में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82,000 के करीब थी। आज इनकी संख्या बढ़कर 1,40,000 सीट तक पहुंच रही है, यानी आज ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है।